धनतेरस से लेकर दिवाली तक लुटेरों से शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अलर्ट है। न सिर्फ पुलिस बाजार में गश्त कर रही है बल्कि चौराहों पर भी पुलिस मुस्तैद है। वहीं महिलाओं के साथ छेड़खानी व अन्य घटनाओं के लिए शेरनी दस्ता भी गश्त कर रहा है। बाजारों में सादे कपड़े में महिला टीम को लगाया गया है। आपको बता दें, धनतेरस और दिवाली पर लूट की वारदात अचानक बढ़ जाती है। अभी तक तो पुलिस ने लुटेरों पर काबू कर लिया है, चेन स्नेचिंग की वारदात करने वालों को भी दबोच लिया है। उसके बाद भी त्योहारों को लेकर पुलिस किसी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती है। धनतेरस और दिवाली की के बाज़ार में ग्राहकों की ज़्यादा आमद होती है। बाज़ार की रौनक और सोने चांदी कपड़े बर्तन आदि सामानों की खरीदारी के चलते लुटेरे भी बाज़ार की तरफ आकर्षित होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सफलतापूर्वक लूट की वारदात को अंजाम देकर कुछ बदमाश इन दिनों अपना शगुन भी करते हैं। वो मानकर चलते हैं कि धनतेरस या दिवाली को सफलतापूर्वक वारदात कर लिया तो पूरे साल उन्हें सफलता मिलेगी। यही वजह है कि धनतेरस से लेकर दिवाली तक बैंक, बाज़ार, सराफा मंडी सहित उन स्थानों पर जहां पैसे का आवागमन ज़्यादा होता है, वहां पर पुलिस टीम को खास ध्यान देने को कहा गया है। गोलघर, घंटाघर, अलीनगर जैसे पुराने बाज़ारों पर विशेष नज़र रखने का निर्देश दिया है, तो वहीं अन्य बाज़ारों पर थानेदारों को निर्देश दिया गया है कि वह गश्त करते रहें। अफसरों का निर्देश है कि सतर्कता ऐसी हो कि कहीं भी कोई वारदात नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव और SP सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा। देखिए, ये धनतेरस है, आज जाहिर सी बात है लोग खरीदारी के लिए बाहर निकलते हैं और बहुत आभूषण और सिक्के वगैरह खरीदते हैं और मार्केट में काफ़ी भीड़ रहती है। दिवाली की खरीदारी आज काफ़ी कर लेते हैं लोग। इसके लिए सभी थानों को अलर्ट किया गया है, वो उनकी फोर्स लगी रहेगी और महिलाओं, जहाँ तक महिलाएँ खरीदारी करती हैं उधर मार्केट में हर थानों में हमारे शेरनी दस्ता हैं, वो भ्रमणशील रहेंगी और जब तक रात्रि में मार्केट बंद नहीं होता तब तक ये लगातार ड्यूटी रहेगी और सब भी फुल अलर्टनेस में रहेंगे।
सर पुलिस पिकेट भी बढ़ाई गई है इसमें? हाँ, कुछ पिकटिंग बढ़ाई गई है और गश्त रहेगी, गश्त करती रहेगी। थाना अध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि भ्रमणशील हैं मेन जहाँ भीड़ भाड़ वाले कस्बे हैं वहाँ पे देखते हुए कई जगहों पे पुलिस की पिकटिंग तथा गश्त लगाई गई है और स्थानीय थानों के अलावा बाहर से भी फोर्स को लगाया गया है। हमें एक PSC की कंपनी भी मिली जिसका डिप्लॉय किया गया है और जनता से लगातार अपील भी की जा रही है कि कोविड के नियमों का पालन करें और जहाँ कहीं भी पुलिस से किसी भी प्रकार की सहायता की अपेक्षा हो वहाँ पर तत्काल पुलिस को सूचित करें, पुलिस त्वरित कार्रवाई करेगी और अधिक से अधिक सहायता देने का प्रयास करेगी। शेरनी दस्ता और हॉक टीम तो लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर ही रहे हैं तथा शेरनी दस्ता को विशेष रूप से क्योंकि महिलाओं का और परिवार का बाहर आना काफ़ी लगा हुआ है खरीदारी को लेते हुए, तो इसे देखते हुए शेरनी दस्ता भी लगातार भ्रमणशील हैं और हमारी महिला कर्मी काफ़ी मजबूती के साथ ड्यूटियाँ कर रहे हैं और जहाँ कहीं भी आवश्यकता पड़े वहाँ तत्काल पहुँच रहे हैं तो उनसे भी पूरा सहयोग मिलता रहे। कितनी नई पिकेट बनाई है? कुल नगर क्षेत्र में 82 पिकेट्स जो हैं वर्तमान में चलाई जा रही हैं ताकि अगर कहीं पे भी किसी प्रकार की आवश्यकता हो पुलिस तुरंत पहुँच सके। इसके साथ साथ सभी अधिकारीगण गश्त कर रहे हैं पिकेट्स के बीच में ताकि अगर पिकेट्स के बीच में भी किसी प्रकार की कोई सहायता की आवश्यकता हो तो पुलिस तत्काल उसे दे सके।